हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग आप सभी को मेरा नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन सर्वप्रथम चंद्रयान की चंद्रमा पे सफल लैंडिंग की हम सभी को बधाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन मेरी आवाज़ आप तक तो क्लियरली पहुंच रही है ऐसी मैं उम्मीद करता हूं इज एवरीथिंग ऑल राइट चलिए सो so आज मॉक टेस्ट थर्ड है हमारा यहाँ पे और पिछले दो मॉक टेस्ट जो थे आपके वो थोड़े इजी टू मॉडरेट लेवल थे आज थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा यानी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी आपको हाई दिखाई देगी है एबीपीएस क्लर्क के ही लेवल पे पर थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल आपको आज बढ़ी हुई नजर आएगी सो आइए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड मिशन चंद्रयान सफल हुआ है आपका भी मिशन अपनी सफलता का जल्दी से जल्दी सफल हो नमस्कार विक्रमादित्य काजल प्रथा पार्थ परवेर शरद भरत सभी को गुड इवनिंग आइए सो so, पैराजंबल का रूप आज आपको बदला हुआ नजर आ रहा है आर फुज फ्लेज़िट पैराजंबल है हमारे पास पहले चार क्वेश्चन सो बताइए किस ऑप्शन के साथ जाएंगे टाइमर लगाया जाए बिल्कुल बिना टाइमर के कैसे टेस्टिंग होगी डाम डी करेक्ट ऑप्शन है चलो कोई बात नहीं अभी ऑप्शन एक साथ देखेंगे पार्था ने कमेंट किया है एस एस ऋतिक विक्रमादित्य सपना पार्थ मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ सर अच्छी बात है पार्थ तो टाइम इज अप गुड इवनिंग सुरभि कैन बी डिस्कस नाउ हां जी यहां पे आप पहले ऑप्शन देखेंगे डी सी और ए आपको ओपनर के तौर पे नजर आ रहे हैं बी वैसे भी नजर नहीं आ रहा दैट इज वाई लिखा हुआ है वहां पे

अर्ली कैपिटलिज्म की हिस्ट्री की बात हो रही है कि भाई अर्ली कैपिटलिज्म uh, की जो हिस्ट्री है वो गोरी और ग्रिजली स्टोरीज के साथ भरी हुई है जो कि किसी भी के ब्लड को कर्डल कर सकती है और प्रिमेटिव कैपिटलिज्म भाई वो अर्ली कैपिटलिज्म उसी की तरफ इशारा है तो अगर गोरी और ग्रिजली स्टोरीज हैं तो उनमें क्या क्या होगा ठग होंगे रॉबर रेड इन टूथ एंड क्लॉ दांतों में भी और क्लॉ में भी बेंट ऑन ठगरी लूटिंग तो ये बिल्कुल एक लॉजिकल कंटिन्यूएशन है ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स

हाउ डू मदर माई स्नो हाउ डू लुक आफ्टर देर बेबीज वेन देर इज नो वॉन टू टेल देम वॉट टू डू एक चूहे की माँ को यह कैसे पता होता है कि भाई उसे अपने बच्चे की देखभाल कैसे करनी जब उसे बताने वाला कोई नहीं यहां सवाल पूछ रहा उसका जवाब यहां पर दिया बाई इंस्टिंग डी के बाद सी सिर्फ एक ऑप्शन में फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन यही हो गया मीनिंग दैट देयर मटर्नल बिहेवियर इज इन सम वे प्रोग्राम टू देयर जीन्स बायोलॉजिस्ट है जीन्स तो अब थोड़ा नैरो डाउन पैराग्राफ हो रहा है कि बायोलॉजिस्ट ने अब आइडेंटिफाई कर लिया है एक जीन जो कि इन्वॉल्व है इस पूरी प्रक्रिया में एंड बाई क्यूरियस ट्विस्ट द जीन अब वो द जीन इसी जीन की तरफ इशारा कर रहा है ये वो जीन है दैट इज स्कल्पेड और इम्प्रिंटेड बाय द फादर इन अ स्पेशल वे गिविंग मेल माई रोल इन शेपिंग द फीमेल्स मटरनल बिहेवियर बट इतना पढ़ने की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ये भी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है हिस्टोरिकली रिसेशन इज द मिडवाइफ ऑफ प्रोटेक्शनिज्म ए ओपनिंग स्टेटमेंट है कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो रिसेशन जो है वो प्रोटेक्शनिज्म को जन्म देता है कहीं भी जब इकोनॉमी के अंदर किसी भी देश में रिसेशन आता है तो वो देश अपने अपने देश को बचाने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी वो अपने यहां शुरू करते हैं इन गुड टाइम्स पीपल्स एंड नेशंस आर हैप्पी टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ ओपन ट्रेड समय अच्छा रहता है तो सब लोग ओपन ट्रेड चाहते हैं आदान प्रदान में कोई दिक्कत ना हो कम बैड टाइम्स तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया राइट right, पहले गुड टाइम्स फिर बैड टाइम्स दे आर टेम्पटेड ये दे जो प्रोनाउन है ये अगेन पीपल्स और नेशंस की तरफ ही इशारा कर रहा है तो अच्छे समय में सब बेनिफिट्स ऑफ ओपन ट्रेड एंजॉय करते हैं लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है दे आर टेम्पटेड टू मिनिमाइज शॉर्ट रन पेन थ्रू प्रोटेक्शन तो जो दिक्कत आई है आ, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के जरिए एंड नाउ द ग्रेट क्वेश्चन नाउ इज वेदर द लिबरल पॉलिसीज दैट हैव टेकन होल्ड इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इन एटीज एंड नाइनटीज कैन सर्वाइव एन इकोनॉमिक सेट बैक एनी वे तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो गया इट इज डिफिकल्ट टू डेट द एपिक्स विद रिमोट पीरियड्स राइट तो अब यहां पे बात हम एपिक्स की कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एपिक्स को डेट करना बड़ा मुश्किल है कि मतलब इसकी रचना कब हुई थी ऐसा क्यों दे डील विद रिमोट पीरियड्स अब ये दे किसके लिए आया हुआ है एपिक्स के लिए आया हुआ है एडी मैंडेटरी पेयर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन हो गया

सो ईच क्वेश्चन हैज टू सेंटेंसेज विद वन ब्लैंक ईच चूज द अप्रोप्रियट ऑप्शन दैट कैन फिट इन द ब्लैंक्स ऑफ बोथ तो दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है देखना है क्या कॉन्टेक्स्ट है किस तरह का वर्ड चाहिए और नीचे दिए गए चार वर्ड्स में से एक ऐसा वर्ड होगा जो दोनों ही जगहों पे सूटेबल होगा सो so, अगेन मैं लगाता हूं आपके लिए टाइमर ये होमोनीम अब सीजियल मेंस के सिलेबस में भी आपको नजर आता है एसएससी ने साफ साफ लिखा हुआ है तो इस तरह के फिलर्स देखने को आपको मिल सकते हैं फोर क्वेश्चन टू मिनट्स थोड़ा और टाइम चाहिए चलिए टाइम इज अप डिस्कस कर सकते हैं कोई क्वेश्चन रह गया हो देखने के लिए शायद सेकेंड वाले क्वेश्चन पे टाइम चाहिए था थोड़ा सा और देख लो आप चले दिस मच टाइम इज हिज यूनिक क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप एंड वन हिम द स्पटेनियस लव एंड लॉयल्टी ऑफ हिस कंट्री मैन वाइल मेनी ऑफ हिस्स कलीग्स थॉट ही टूप एट द न्यू रिक्रूट अलाउड हिम टू प्रूव देम रॉन्ग आपके पास सवाल यह है कि इन दोनों ब्लैंक प्लेस में एक ही वर्ड आएगा इन चारों में से और एक ही आएगा इसका मतलब दोनों सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग वो सूटेबल होना चाहिए सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये पता करने में कोई मुश्किल है क्योंकि हम यूनिक क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप कह रहे हैं और उसके बाद एंड लगा हुआ है तो एंड के पहले अगर एक पॉजिटिव शब्द है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव चाहिए और साथ ही साथ आगे भी लिखा वन हिम द स्पॉन्टेनियस लव एंड लॉयल्टी ऑफ हिस कंट्रीमैन तो भाई अपने देशवासियों का प्यार और लॉयल्टी उनको मिली है तो डेफिनेटली पॉजिटिव क्वालिटी अलाउड हिम टू प्रूव देम रॉन्ग यानी जो नया नया उस कंपनी में आया है जिसको उसके साथ काम करने वाले बेवकूफ समझते थे उसकी समझदारी ही तो उन लोगों को गलत साबित करेगी क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो बेवकूफ है उसकी समझदारी अब यहां समझदारी के लिए कौन सा शब्द है हमारे पास अब आप देखिए अगर यहां पे आप जाओगे तो आपके शायद मन में आ जाए कि टॉलरेंस सहिष्णुता का भाव ये भी तो पॉजिटिव शब्द है बेनोवलेंस बेनी का मतलब गुड वोल्ड का मतलब चाहना यानी जो दूसरे का भला चाहे तो आपको यह लग सकता है कि अच्छा लोग देश वाले पसंद करते हैं लोगों का प्यार मिलता है इसका मतलब कि लीडरशिप भी है बेनोवलेंस भी है अपनी जनता का भला चाहता है ये इंसान कॉग्निजेंस कॉग्ना कॉग्ना का मतलब ही नॉलेज होता है रूट वर्ड है राइट यहीं से रिकोग्निशन कॉग्निटिव अबिलिटीज वहीं से रिक्नाइज और कॉग्निजेंस और कॉग्निजेंट बड़े सारे शब्द आते हैं तो ये भी आपको लग सकता है पॉजिटिव और सगैसिटी यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो है वो सगैसिटी है और उसका हिंट आपको यहां से मिल रहा है बिकॉज स्टुपिड शब्द का जिक्र है और उसकी जो सगैसिटी है बुद्धिमत्ता है विजडम जैसे वाइज आपको पता है तो वाइज और एडजेक्टिव इसका बन जाएगा सगैसियस वैसे सगैसिटी नाउन है तो विजडम भी नाउन हो गया तो उसकी जो सगैसिटी होगी वही तो बाकियों को गलत साबित करेगी जो कि उसको बेवकूफ़ समझ रहे थे तो सगैसिटी का हिंट आपको यहां मिल गया और सगैसिटी ऐसा वर्ड है जो यहां पे भी जाएगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं कि भाई लोगों का प्यार तभी मिल रहा है जब वो इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी और सगैसिटी है बुद्धिमत्ता है बिना बुद्धिमत्ता के बिना विजडम के आप लीडरशिप शो तो करोगे नहीं तो ये ऐसा शब्द है जो दोनों ही सेंटेंसेज में बिल्कुल सूटेबल है तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे है डी फॉर डेली ये सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे जतिन वॉज दे कंसिडर्ड हिम टू बी एंड ओपिनेटेड यानी बहुत ज्यादा अपने ओपिनियन को लेकर के जतिन अड़ियल है और ये इसकी वजह से उसको बहुत लोगों के द्वारा डिसलाइक किया जाता है अब इससे एक बात हमें ये समझ आ गई कि इस ब्लैंक प्लेस में हमें कैसा वर्ड चाहिए नेगेटिव चाहिए इधर भी देख लीजिए अ फीमेल कलीग सेड दैट शी रेंटेड एन अपार्टमेंट ऑन हर ओन बिकॉज हर ऑन्ट बिकॉज हर आंट विद होटेंड पार्टीज आर वियर मॉडर्न क्लोथ तो एक फीमेल कलीग ने क्या कहा कि उसने रेंट किया है एक अपार्टमेंट ऑन हर ओन खुद अपने अपार्टमेंट में रह रही है क्योंकि उसकी आंट जिनके साथ वह पहले रह रही थी वो उसको अलाउ नहीं करती हैं पार्टीज अटेंड करना और मॉडर्न कपड़े पहनना तो डेफिनेटली उन आंट के लिए भी उसका क्या परस्पेक्टिव होगा नेगेटिव होगा तो दोनों में वर्ड हमें नेगेटिव चाहिए अब यहां पे कॉम्प्लेसेंट जो शब्द है बहुत प्यारा शब्द है प्लैक रूट वर्ड आता है यहां पे प्लैक का मतलब होता है टू अपीज किसी को खुश करना या किसी को शांत करने की कोशिश करना पैसिफाई करने की कोशिश करना और बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है पेपर के लिए कॉम्प्लेसेंट एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है सम वन इज लेड बैक सम वन हु नॉट रेडी टू लर्न राइट नई चीजें सीखने जानने के लिए तैयार नहीं है बहुत ही लेड बैक इंसान है और इसी प्लैक से जो हमारे पास शब्द आते हैं ना कुछ वर्ड्स मैं यहां पे आपके लिए लिख भी देता हूं लिख तू देखो एक तो आता है प्लेसिड हम कहते हैं प्लेसिड पर्सनैलिटी यानी सम वन इज वेरी शांत चित्त वेरी काम एंड कंपोज दैट पर्सन इज कॉल्ड प्लेसिड आप अगर किसी को प्लेकेट करने की कोशिश कर रहे हैं शांत करने की कोशिश कर रहे हैं दिस वर्ड इज एजेक्टिव दिस वर्ड इज वर्ब अगर आपने कोई प्लेकेटरी मूव लिया है इसका मतलब कि कोई आपसे नाराज है और आप उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेकेटरी मूव जैसे कई बार ये होता है कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी में हड़ताल हो गई और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो आ, जो है प्लेकेटरी कुछ मेजर्स ले रहा है यानी जो हड़ताल करने वाले कर्मचारी हैं उनको शांत करने की कोशिश कर रहा है ऐसे ही जो प्लेकेबल है इसका मतलब जिसको शांत किया जा सके जो इम्प्लेकेबल है उसको आप खुश नहीं कर सकते इम्प्लैकेबल चाइल्ड बच्चा अच्छे घाड़े मार के रो रहा है एंड द चाइल्ड विल बी कॉल्ड इम्प्लैकेबल राइट यहीं से आता है प्लसीबो इफेक्ट जरूर आपने पढ़ा सुना होगा प्लसिबो मेडिकल में यूज होता है मैनेजमेंट में यूज होता है यानी एनी थिंग दट हैज मोर ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रादर देन मेडिसिनल प्रॉपर्टी कोई चीज आपके दिमाग में ये डाल दी जाए कि ये आपके दिमाग को बहुत यू you नो know, शांत रखेगी आपके लिए अच्छा है और आप वो चीज मान भी लें और उसका फर्क भी पड़ जाए तो खैर यहां पे जो करेक्ट वर्ड है वो है प्रिगिश कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं है प्रिगिश का मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एक तरह का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और वो सेल्फ राइटियसनेस उसके अंदर हो उसको ये लगे कि मुझे सब पता है मैं सब जानता हूं बहुत ही मॉरलिस्टिक हो बहुत ही अडियल हो तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल वही है आप खुद देखिए क्योंकि तो ये ओपिनेटेड है यानी अपने ओपिनियन को लेकर के बहुत ही एडमेंट है बहुत ही डॉगमेटिक जिसे कहा जाता है और उसके साथ ये वर्ड प्रिगिश जो है वो बिल्कुल जाएगा यानी जो इंसान अपने आप को बहुत ही मॉरलिस्टिक बहुत सेल्फ राइटियस कि मैं जो कर रहा हूं मैं जो जानता हूं वही सही है मैं जो कह रहा हूं वही सही है ऐसे को प्रिगिश बोलते हैं अब यहां आंट के लिए भी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अ फीमेल दैट शी रेंटेड एन अपार्टमेंट ऑन ऑन हर ओन बिकॉज हर आंट इज प्रिगिश उसकी आंट प्रिगिश है वो बार बार ये नहीं करो वो नहीं करो ये गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ इधर आओ उधर आओ तो ये वाली चीज जो है सेल्फ राइटियसनेस मॉरलिस्टिक होना तो यहां पे भी ये बिल्कुल ठीक है सेंटिएंट हम सभी लोग सेंटिएंट बींग्स हैं इसी सेंटिएंट सेंट रूट वर्ड से सेंटिमेंटल आता है तो सेंटिएंट का मतलब वो कोई भी बींग जो कि सेंसेस के जरिए यानी जो हम फील कर सकते हैं वही जो फील कर ले उसको सेंटिएंट बींग कहा जाएगा तो हम महसूस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए हम सब सेंटिएंट बींग्स हैं और इनॉक्यूअस अगेन बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है पेपर का आप जानते हैं यहां पे रूट वर्ड आता है एन आई सी एनओ सी एंड एनओ एक्स ये तीनों रूट वर्ड का मतलब होता है हार्म नुकसान ठीक है और इनोक्यूस का मतलब हार्मलेस हो जाता है बिकॉज यहां पे आप देखें इन पहले लगा हुआ है नॉक रूटवर्ड है अगर कोई चीज नॉक्यूअस होती तो वो हार्मफुल होती इनॉक्यूअस है तो पूरे शब्द का मतलब हो जाता है हार्मलेस बाकी एन से वर्ड आप जानते हैं परनीसियस इफेक्ट ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल इफेक्ट एंड अगेन नॉक्सियस गैसेज

परसुएड किसी को मनाना सम्मन करना आसान शब्द है डन आपके लिए शायद नया शब्द हो और यही शब्द यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी है तो डन अगर इस वर्ड की बात करें सो द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ दिस वर्ड इज़ वर्ब एज वेल ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है और इवन नाउन के तौर पे भी कई बार यूज़ हो लेता है यहाँ पर वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है और डन का मतलब होता है जिसको आपने पैसा दिया है उससे पैसा निकलवाना यानी अगर आपने किसी को उधार दिया है और वो आपका पैसा वापस करके राजी नहीं है तो आपको परसिस्टेंटली उससे पैसा निकलवाना पड़ेगा उसी को डन कहा जाता है और एडजेक्टिव के तौर पे समथिंग दैट इज़ ब्राउननेस ग्रे इस कलर का उसको डन कहते हैं सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिट कार्ड कंपनीज डन डिफॉल्टिंग कस्टमर्स भाई क्रेडिट कार्ड कंपनीज को जो रिप्रेजेंटेटिवस हैं वो उन कस्टमर से पैसे निकलवाएंगे ना जिन्होंने डिफॉल्ट किया है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो किया बट लोन चुकाया नहीं वही कहानी यहाँ पे भी है कि जो लेंडर्स हैं यानी उधार देने वाले हैं वो बिजनेस में तभी बने रह सकते हैं इफ़ दे डन दे आर डिफॉल्टिंग डेटर्स टिल दे रीपे जब वो जो भाई उनके कर्जदार हैं उनसे जब तक वो पैसा नहीं निकलवाएंगे तब तक आगे लोगों को फिर लोन कैसे देंगे तो पैसा निकलवाना डी यू एन यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट है ना ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉस्टिडियस यंग बॉस बिलीव इन मेटिकुलस एंड डज नॉट टॉलरेट इन अदर्स तो फास्टिडियस बॉस है ये बॉस जो है फॉस्टिडियस है और इसका मतलब बहुत ज्यादा चीजों की डिटेलिंग में जाता है जल्दी संतुष्ट होने वाला है नहीं उसको हर काम में वो कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल देगा तो उसको एक मेटिकुलसनेस चाहिए डिटेलिंग चाहिए काम में कि आप बड़े सिंसियरिटी के साथ वो काम करें और इसीलिए वो क्या टॉलरेट नहीं करेगा इन ऐप्टीट्यूड इन एप्टीट्यूड अगर आप काम के नहीं हैं तो उसको बिल्कुल लाभ बर्दाश्त नहीं होंगे वही यहाँ पे भी है हिज बैड ग्रेट्स हिज इफेमिनेट नेम द ओवरली सेरेमोनियल क्लोथ्स हिज मदर मेड हिम वेयर एंड हिज इन एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट्स मेट बोगर्ड द फ्रीकुंट बट ऑफ हिस्स क्लासमेट्स चोक्स तो यहाँ एक बालक की बात हो रही है जिस बालक के बैड ग्रेड्स आते हैं उसका नाम भी थोड़ा लड़कियों जैसा है कपड़े भी वो थोड़े ओवर सेरेमोनियल पहनता है चमकीले कपड़े पहनता है वो जो उसकी मदर उसको पहनाती हैं एंड हिज इन फॉर स्पोर्ट्स और जैसे ये माना जाएगा कि भाई अगर लड़का है तो स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए बट वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है इनएप्टीट्यूड है और ये चीज़ उसको क्या बनाती है बट ऑफ इज क्लासमेट्स जोक्स उसके क्लासमेट्स के जोक्स का पात्र हंसी का पात्र तो इन इज परफेक्ट इन दिस ऑफिसनेस का मतलब लेट होना कहीं पे समय से ना पहुंचना ये भी नाउन है ये भी नाउन है नाउन तो सारे हैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल इज सेम बट दिस वर्ड इज करेक्ट ओवर हियर राइट दिस इज फुलिसनेस नेगेटिव वर्ड ही है ये भी चलिए अगला क्वेश्चन अब देखो यहां पे नाइन और टेन ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं सेलेक्ट द फ्रेज और कनेक्टर आपको पता है कनेक्टर्स वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं बैंक के पेपर में तो डायरेक्शन को एक बार पढ़ लीजिए सेलेक्ट द फ्रेज आर कनेक्टर आउट ऑफ द थ्री फ्रेजेस कनेक्टर्स गिवेन एज ए बी एंड सी विच कैन बी यूज इन द बिगिनिंग टू स्टार्ट द सेंटेंस अगर वो बिगनिंग में आते हैं तो उन्हीं को हम स्टार्टर कह लेते हैं इसीलिए इसको स्टार्टर या कनेक्टर कहा जाता है आ, to form a single sentence from the two or three statements given while implying the same meaning as expressed in the statement sentences. तो यहाँ पे आपके पास दो sentences ये दिए गए हैं यहाँ चार तरीके दिए गए हैं इन चारों में से किसके जरिए हम start करें कि इन दोनों sentences को हम connect भी कर लें जो अभी अभी separated है और सेपरेट सेंटेंस में इनका जो मतलब है वो मतलब भी बना रहे जब हम इनको जोड़ें तो ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन

वो ग्रामेटिकली भी और कंटेक्चुअली भी करेक्ट होने चाहिए ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी बर्डन तो विद बैंक्स इन इंडिया यहां विद से शुरू करोगे विद बैंक्स इन इंडिया हैव इम्ब्रेस टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉमा द ओनस इज ऑन देम। अब आपको ये पता है कि ये देम लगा हुआ है ये पहले मेंशन हुए बैंक्स नाउन की तरफ इशारा कर रहा है कि अब जिम्मेदारी इन बैंकों पे है टू इंटीग्रेट इंटर जनरेशनल लेगेसी सिस्टम्स अक्रॉस ब्रांचेस एंड ऑनलाइन बैंकिंग नेटवर्क्स इनटू वन सीमलेस एंड सिक्योर होल सो ऑन अकाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज से आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे टेक्नोलॉजिकल चेंज यहां पर आपको दिख रहा है उसको फिर कहां से कनेक्ट करोगे यार बिसाइड्स द ओनर्स तो बिसाइड्स का मतलब तो इसको आ, इसको छोड़कर बिसाइड मतलब इसके अलावा तो वहां पे ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं है पूरी तरीके से बात हो रही है तो इन दोनों के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे ओनली सी किस में लिखा है बी ऑप्शन में लिखा है राइट right? तो इसके जरिए हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं आपको समझ में आई होगा विद बैंक इन इंडिया यही विद लगा करके जोड़ दिया और क्योंकि एक सेंटेंस बनाना है तो फिर यहां पे लगेगा कॉमा राइट right? और फिर द ओनर्स इज ऑन दम कह सकते हो आप आसानी से अगला क्वेश्चन द यू हैज इन्वॉल्वमेंट इन अक्रॉस द रीजन बोथ ओपनली इन यमन एंड सीरिया इट्स रूलर है नीड टू स्क्वीज मोर रेवेन्यू आउट ऑफ एवरी बैरल ऑफ ऑयल अब यहां पे है इन स्पाइट ऑफ द यू अब आपको पता है कि इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक इसके बावजूद यह चीज हुई राइट और जो आपका कनेक्टर के क्वेश्चंस होते हैं या स्टार्टर के क्वेश्चन होते हैं यहां टिपिकली हमारे कंजंक्शन और सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो समझ है उसी को टेस्ट किया जाता है क्योंकि भाई जो आपको सेंटेंसेज मिल रहे हैं वो दो भी मिल सकते हैं किसी क्वेश्चन में तीन भी मिल सकते हैं तो उनको कनेक्ट करना है सिंस आप अगर लगा रहे हो तो आपको पता है कि भाई ये तो कारण की बात करता है ये आपको वही वाली बात कॉन्ट्रास्टिंग बात कर रहा है और given जो है ये कंडीशन की बात करता है इफ हुआ unless हुआ given हुआ provided हुआ अनलेस प्रोवाइडेड ये सारे expressions या कंडीशन के लिए काम करते हैं सो गिवेन दू एज इन्वॉल्वमेंट अब देखो हैज इन्वॉल्वमेंट लिखा है बट जोड़ने में आपको चेंज करना पड़ेगा गिव एन दूस इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्फ्लिक्स अक्रॉस द रीजन बोथ ओपनली इन यमन एंड सीरिया कॉमा इट्स रूलर्स अब आपको पता है कि इट्स किसके लिए आया हुआ है यूएई के रूलर्स के लिए इट्स रूलर्स हैव पॉसिबली रियलाइज द नीड टू स्क्वीज मोर रेवेन्यू आउट ऑफ एवरी बैरल ऑफ ऑयल तो यहां पे अगेन ए और बी के साथ नहीं जाएंगे सी के ही साथ कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को और यहां पे सी में लिखा है ओनली सी ये करेक्ट ऑप्शन है ठीक है अब आइए अगले क्वेश्चन टाइप की तरफ

आई ए एफ इज इन ड्रेस्टिक नीड ऑफ अब्सटैंशियल नंबर ऑफ सिंगल इंजन फाइटर्स टू में रिजेक्टिंग ऑफ दिक ट्वेंटी अब ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के अंदर मुझे लगता है पढ़ते ही आपको समझ तो आ गया होगा कि ये यह यहां पर सही नहीं है तो आपको देखना है कि हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं चार और सभी के अंदर चार चार वर्ड का कॉम्बिनेशन है इन कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पर सही बैठेगा द आई एफ इज इन सडन नीड डेस्परेट नीड एक्सट्रीम नीड डायर नीड अब कोई भी चीज की अगर डायर नीड है इसका मतलब वो बहुत जरूरी है तो आप देखो द आई एफ इज इन डायर नीड ऑफ अब्सटेंशियल इंजन फाइटर्स टू में जितना लेवल होना चाहिए उतना रहे टू कॉम्पनसेट फॉर क्योंकि आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा किस लिए क्योंकि आप फेज आउट कर रहे हैं ऑप्सोलीट आउट डेटेड मिग ट्वेंटी वन को यानी जो काम अभी तक मिक ट्वेंटी वन कर रहे थे क्योंकि तो अब वो आउटडेटेड हो चुके हैं उनको आप फेज आउट कर रहे हैं तो उनकी जगह पे कॉम्पनसेट करने के लिए जो काम वो कर रहे थे वो काम कराने के लिए आपको नई फ्लीट वहां पे डालनी पड़ेगी सो सो दैट कि जो आपका एड्युकेट फ्लीट लेवल्स है जितने प्लेन होने चाहिए वो आपके पास रहें तो यहां पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन राइट बाकी आप देखिए तो वो खुद ही दिख रहा है गिविंग अवे ऑफ सोलीट गेटिंग रिड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ कोई ऐसी चीज थोड़ी है भाई कि उससे छुटकारा पाना है टाइप वो सोच समझ के ही ली गई थी उनका समय पूरा हो गया वो भी मशीन है मशीन का एक समय होता है टाइम लाइन होती है उसको फेज आउट करके नई चीज़ लाई जाती है स्टैम्प आउट गिविंग अवे ये सारे बड़े ही जेनेरिक वर्ड हैं यहां भी आप देखो तो कॉम्पनसेट के अलावा रिकनसाइल फोर फीट शेल आउट कोई लेना देना नहीं है तो कहने का ये मतलब कि जरूरी नहीं है कि सारे शब्दों को आपको देखना पड़े जब इतने सारे वर्ड्स हैं तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं अगला क्वेश्चन ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड एंड सो द डीपली इन ओल्ड फैशन माइंड सेट ऑफ आवर रूलर्स हु फील दैट दे आर एंड शैल ऑलवेज अबाइड मोर इक्वल देन ऑल अदर्स नो मैटर इफ द कंट्री दे लिव इन हैपन्स टू बी अक्वेलिटी दैट प्रोमिसज इक्वल राइट एंड फ्रेंचाइज टू एवरी सिटीजन अब आप देखो बताओ मुझे एक क्वेश्चन आपको बता दिया अब आपको थोड़ा समय देता हूं मैं इसके लिए आप मुझे बताएं वॉट डू यू थिंक क्या लगता है किस ऑप्शन के साथ जाओगे बहुत अच्छे शरद स्वाति विक्रमादित्य वेरी गुड रोमन पारस बहुत अच्छे भाई फ्यूडल माइंडसेट सामंती सोच जो होती है अब आप देखिए ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड एंड सो डीपली इन ग्रेंड फ्यूडल माइंड सेट ऑफ आवर रूलर्स हु फील दैट दे आर दे आर एंड शेल ऑलवेज रिमेन मोर इक्वल देन ऑल अदर्स यानी वही एलिटिज्म वाला भाव कि हम तो ऊपर हैं जी नो मैटर इफ द कंट्री दे लिव इन हैपन्स टू बी अ डेमोक्रेसी दैट प्रोमिजेज इक्वल राइट्स एंड लिबर्टीज टू एवरी सिटीजन राइट राइट राइट्स एंड लिबर्टीज तो जिस कंट्री में रहते हैं भले ही वो कंट्री डेमोक्रेसी क्यों ना हो जो कि इक्वल राइट्स और लिबर्टीज हर सिटीजन को प्रोमिस करे इसके बावजूद उनको ये लगता है दे आर एंड शैल ऑलवेज रिमेन वो हमेशा ऐसे बने रहेंगे फ्यूरल माइंड सेट सो और कोई भी वर्ड यहाँ पर करेक्ट नहीं है बहुत अच्छे वेरी गुड आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न का आंसर करिए काफी लोगों के सही थे

तो आई थिंक इतना पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड ऑल द वर्ड्स आर प्लेस्ड प्रॉपरली ई इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, नो करेक्शन या नो no एरर भी एक ऑप्शन होता है ध्यान रखा करिए इस बात का ठीक है सो क्राफ्ट रिवाइवलिस्ट यानी जो रिवाइव करे एक क्राफ्ट को जो क्राफ्ट एक तरह से मर चुकी थी उसको फिर से उसमें जान डालना नेक्स्ट वन ah, जी अब आ जाइए फिलर्स हैं हमारे पास ये फाइव क्वेश्चंस फिलर के डबल फिलर्स द गवर्नमेंटल ड्रामेटिक गवर्मेंटलेंट इन द वे वेयर मैनेजमेंट इज आउट इन मेनी हॉस्पिटल द गवर्नमेंटल रूल फॉर ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स प्लान क्रूसेड एफर्ट्स और यहां पे भी देखो आप आउट लिखा हुआ है तो कौन सा वर्ड डालोगे जिसके साथ आउट की सेटिंग बैठ जाए कॉलोकेशन कॉलोकेशन वाइज सही बैठे करेक्ट ऑप्शन इज डी वेरी गुड सो द गवर्नमेंटल एफर्ट्स यानी जो सरकारी प्रयास रहे उसने ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इस पर किया है इन द वे वेयर मैनेजमेंट इज कैरीड आउट इन मेनी है आईपीएस क्लर्क के ही जैसे क्वेश्चन है पी नेचुरल लाइट डिस्प्लेस इन द यूजुअली एट नाइट इन द पोलर रीजन यूजली वॉच नोटिस्ड ऑब्जर्वड फाउंड तो सी करेक्ट ऑप्शन है नेचुरल लाइट डिस्प्लेस इन द स्काई यूजुअली ऑब्जर्व एट नाइट ओनली इन द पोलर रीजन पोलर रीजन में ये अरोराज हमें नजर आते हैं द ऑर्गेनाइजेशन टू पॉपुलराइज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमॉन्ग द यूथ विच हैज लॉस्ट विद इट्स कल्चरल रूट लॉस्ट के साथ देखो कौन सा वर्ड आना चाहिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पॉपुलराइज करने की कोशिश हो रही है यूथ के अंदर तो यूथ क्या करेगा भाई लूज टच ही करेगा ना हैज लॉस्ट टच विद इट्स कल्चरल रूट्स एंडेवर्स का मतलब प्रयास करना सो द ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर्स टू पॉपुलराइज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमॉन्ग हैज लॉस्ट टच विद इट्स कल्चरल रूट्स अब यहां पर आपको कहो विच हैज लॉस्ट इंटरेस्ट तो भाई इंटरेस्ट तो तब होगा ना जब आपका कुछ कनेक्ट होगा तब आप ये बताओगे कि इंटरेस्ट है कि नहीं है तो यहां पे लॉस्ट टच नॉट इंटरेस्ट एक्सपीरियंस इंट्रीक तो वैसे ही नहीं होगा ये वर्ब है ये दोनों नाउन है उट ऑफ कॉन्टेक्सट देखो सिंपल थोड़ा सा बेसिक ग्रामर की टेस्टिंग हो गई है यहां पर आई विल नॉट टेक दैट डिमांडिंग जॉब पर आई आई वुड मे तीन ऑप्शन में देखो वुड लिखा हुआ है तो डेफिनेटली इन तीनों ऑप्शन के जो सेकेंड वर्ड्स हैं लेटर वर्ड्स हैं वो आपको मदद करेंगे सही ऑप्शन पे पहुंचने के लिए आई विल नॉट टेक दैट डिमांडिंग जॉब पर आई वुड इफ आई वर क्योंकि ये हाइपोथेटिकल केस है हाइपोथेटिकल केस है और आपको पता है हाइपोथेटिकल कंडीशनल में वॉट एवर द सब्जेक्ट इज वर अगर मैं उसकी जगह होता वो वाला वो वाली कहानी है तो अगर आप यंगर होते हैं आपकी उम्र कम होती तो जो डिमांडिंग जॉब है आपकी टैक्सिंग जॉब है आप करने के लिए तैयार होते हो ताकत होती है लेकिन वही तो यहां लिखा है कि मैं डिमांडिंग जॉब जो है वो नहीं लूंगा शायद मैं ले लेता अगर मैं यंगर होता तो यहां पे किसी के साथ नहीं जाएंगे आप द पार्टनर्स ब्रोक ऑफ एज द फाउंड ईच अदर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस सो पार्टनर्स ने ब्रोक ऑफ कर लिया क्यों क्योंकि वो उन्होंने पाया एक दूसरे को अब बताइए आप किसके साथ जाओगे अच्छा क्वेश्चन है ये भी हाँ जी बिल्कुल वही है फाइवर अ बर्ड अगर मैं एक पक्षी होता मिली ए नहीं होगा स्वाति ए नहीं होगा शरद ए नहीं होगा पारस बी नहीं होगा शिवांशी ए नहीं होगा अब देखो अभी बताऊंगा तो आपको लगेगा क्षितिज बी नहीं होगा परवेज डी होगा बहुत अच्छे परवेज वेरी गुड पहला ऑप्शन है जो आपका करेक्ट है सपना करेक्ट है डी अब तो खैर डी आ गया तो डी करेक्ट ऑप्शन है देखो जो लोग सोच रहे थे रिस्पॉन्सिबल एक दूसरे को जिम्मेदार पाया अब आप गलतियां कहां पे करते हैं उन गलतियों के करने के पैटर्न को देखो आप आप रिस्पॉन्सिबल तो आपको लगा ठीक है भाई एक दूसरे को उन्होंने जिम्मेदार पाया बट रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर की जोड़ी बनती यहां पे ऑफ लिखा हुआ है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क तो रिस्पॉन्सिबल टेक्स फॉर एज कॉलोकेशन अब अगर हम बात करें इन तीनों वर्ड की फॉल्टी अक्यूज एंड गिल्टी ये तीनों के तीनों शब्द अपने साथ ऑफ लेंगे मतलब ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं यू आर अक्यूज्ड ऑफ समथिंग फॉल्टी ऑफ गिल्टी ऑफ सो ऑफ कैन गो विद ऑल दीज थ्री वर्ड्स मीन्स व्हाट कि अब आपकी नाव को पार लगाने में मदद करेंगे इन बी सी और डी ऑप्शन में दिए गए दूसरे शब्द सेकेंड जो वर्ड्स हैं लेटर वर्ड्स हैं तो देखो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है यानी आपने वादा खिलाफी करी है वादे को तोड़ा है अब वादे के तोड़ने के लिए सिवियर रिजिड तो बिल्कुल ही नहीं होगा रिजिड का मतलब जो बिल्कुल फिक्स्ड हो जिसमें कोई मोशन ना हो सीवियर एक न्यूट्रल कैटेगरी का शब्द का मतलब गंभीर होता है किसी भी सिचुएशन में अगर है तो गंभीरता है सो so, गंभीरता इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रल वर्ड अगर शायद हमारे पास ये फ्लैग्रेंट नहीं दिया होता तो शायद हम बी के साथ चले जाते लेकिन फ्लैग्रेंट जो शब्द है ये आउट नेगेटिव वर्ड है और यहां पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल नेगेटिव है सो द पार्टनर्स ब्रोक ऑफ एज दे फाउंड इच अदर गिल्टी ऑफ

वेरी नियर वेरी इजी, वेरी फास्ट वेरी डिस्टेंट अभी भी कुछ महाराष्ट्र में कुछ नए वेरियंट आए थे ना न्यूज में अभी कुछ दस दिन पहले ऐसे लग रहा है जबकि पहले न्यूज थी कि 2022 में में चला जाएगा एनी वे सो जो कोई चीज अब फार क्राई है वो क्या है वेरी नियर वेरी इजी वेरी फास्ट वेरी डिस्टेंट कलिक सज्जन ये कह रहे थे कि पता नहीं किसने कहा था कि सर थोड़ा सा ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराइए भाई मेरे वो लेवल जब मैं यहां प्रैक्टिस एक से ज्यादा सेट करा रहा हूं तो कोशिश क्या रहेगी मिक्स बैग मिले आपके पेपर में भी क्या होता है कि भाई तीन दिन अगर एग्जाम हो रहे हैं हर दिन तीन तीन शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो कोई पेपर का शिफ्ट ईजी आ जाता है कोई मॉडरेट कोई डिफिकल्ट तो वही यहां पे भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा रीडिंग होने का मौका मैं आपको दूंगा यार आसान है ये फार क्राई वेरी डिस्टेंट दूर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज क्या मतलब होता है इसका पूरा का पूरा ही इडियम है टू बिलीव रॉन्गली दैट यूर सिचुएशन इज गुड टू बी फूल्ड बाई समू लिव इन लग्जूरियसली आफ्टर फूलिंग सम वन टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है कौन से वो हैं किसके हसीन सपने हिंदी में भी बोलते हैं ना किसके हसीन सपने भाई समझ रहे हो गया आप बताओ मुझे पूरा करो यही है पूल्स के पैराडाइज टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड मतलब हालात आपके खराब हैं बट आप क्योंकि बेवकूफ हैं तो आपको लग रहा है नहीं सब कुछ अच्छा है जी टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड टू बी फूल्ड बाई समूरियस लग्जूरियस के अलावा एक शब्द और आता है लग्जूरियंट कन्फ्यूजिंग वर्ड है लग्जूरियंट का मतलब होता है हाईली फर्टाइल जो चीज हाईली फर्टाइल हो हाईली प्रोडक्टिव हो उसे लग्जूरियंट कहते हैं ठीक है न्यूटन्स वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज जीनियस कन्वेज अ ग्रेट डील एडवर्टाइज हिज वर्क क्लेम्स फेम एंड ऑनर डज नॉट गिव अ डिटेल्ड रिपोर्ट डज नॉट गिव नॉट गिफ्स मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी अगर किसी भी का भी काम स्पीक्स वॉल्यूम कहा जा रहा है इसका क्या मतलब है कि भाई बहुत सब्सटैंशियल काम किया है सो द न्यूटन्स वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज जीनियस ग्रेट डील इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता चलिए गो बैक टू ड्रॉइंग बोर्ड गेट स्टार्टेड न्यू जॉब एज दॉट गुड लुक बैक एट योर अचीवमेंट एंड लर्न फ्रॉम दम विद ड्रॉ सपोर्ट टू समन होम यू ऑलवेज सपोर्टेड एंड स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान फेल्डी गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड बिकॉज स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज़ पिछला प्लान फेल हो गया, अभी जैसे जो चंद्रयान टू मिशन जब हमारा फेल हुआ था तो इसरो चीफ की आंखों के वहां आंसू सभी को ध्यान में है और आज उनकी मुस्कुराहट भी साफ नजर आ रही है तो आपको दोबारा जाना पड़ता है ड्राइंग बोर्ड पे कि भाई कहां चूक हुई कहां गलती हुई टेरिस्ट किल थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल इन कोल्ड ब्लड इसी को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर सो इन माउंटेन्स माउंटेनस एरियाज बाई फ्रीजिंग टू डेथ एक्सीडेंटली आर क्रूअली विदाउट एनी इमोशन तो आई थिंक अब देखो मैंने वही कहा ना कि पेपर भी जो अभी सेट किया ये भी एक बैलेंस्ड पेपर है अगर कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे जैसे आपका जो होमोनिम uh, वाला क्वेश्चन था वहां थोड़ा दिमाग लगाना था तो यहां से आपको मौका मिल जाता है नंबर कमाने का तो पेपर हमेशा इस तरह से बैलेंस्ड होता है क्रूअली विदाउट एनी इमोशन उसी को कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं ठीक है डी करेक्ट ऑप्शन है चलो ये भी आपको रिडीम होने का मौका है प्यारा सा छोटा सा क्लोज टेस्ट है गलती मत करना द मस्क मेलन इज परफेक्ट समर इट इज इन वॉटर कंटेंट विच कैन हेल्प टेक केयर ऑफ योर फ्लूड लॉस दैट वी सफर इन द हॉट सीजन अब देखो मैंने इसलिए यहां पे पांच नंबर पाने का मौका आपको आसान करके दे दिया है बट अब मान लो इसमें भी कोई गलती कर दे तो फिर उसके चरण रज स्पर्श करने पड़ते हैं मस्क मेलन इज अ परफेक्ट समर वॉट कंपेनियन अब देखो हैजर्ड एनिमी डिजास्टर ये सब नेगेटिव है इज अ परफेक्ट समर कंपेनियन इट इज रिच इन और तो होगा नहीं कुछ रिच इन वाटर कंटेंट बिकॉज गर्मी की ही बात हो रही है ना कि भाई वाटर कंटेंट मस्क मेलन में बहुत होता है च कैन हेल्प लाइक केयर टेक केयर लुक टूक केयर तो कैन हेल्प टेक केयर ऑफ आवर फ्लूड हार्ड फ्लूड बॉडीज फ्लूड हेल्थ फ्लूड या माइंड फ्लूड तो भाई बॉडीज फ्लूड लॉस दैट वी सफर इन हॉट सीजन तो बहुत ही बेसिक था यह और अब आ जाइए लास्ट के दो क्वेश्चन अगेन ग्रामर का थोड़ा ज्ञान आपका यहां पर टेस्ट होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोल लो प्रेज रिप्लेसमेंट बोल लो सेंटेंस करेक्शन बोल लो अलग अलग नामों से बैंक में पूछते रहते हैं लंबा सा डायरेक्शन देखे तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग एबस्ट्रेक्टेड कॉन्सेप्ट न्यू एंड इंप्रूव टेक्स्ट बुक्स टेल स्टोरीज ऑफ रियल पीपल सो दैट द चिल्ड्रन कैन आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर्स बताइए किसके साथ जाएंगे आप आर आर बी प्री रिजल्ट आउट हो गया क्या बात है

सो एज टू कैच आपको पता है जो इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है वो एज के साथ जाता है सो एज टू कैच ताकि वो कैच कर सके अटेंशन तो जब वो गड्ढे में गिर गया ही शाउटेड विद ऑल हिज माइट पूरी ताकत लगा करके वो चिल्लाया ताकि वो किसी का अटेंशन जो है वो कैच कर सके सो विद दिस वी आर रैपिंग अप टूडे सेशन थैंक यू वेरी मच गाइज लेट्स कैचअप इन द नेक्स्ट सेशन तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंग्लिश सेक्सो विद सत्येंद्र तिवारी यूट्यूब फेसबुक पेज टेलीग्राम चैनल वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कोच अंडर स्कोर सत्येंद्र जो है वो आपका इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम हैंडल चलिए सो क्या रहा स्कोर कार्ड आज का सेशन कैसा लगा मतलब क्वेश्चन किस तरह के थे कैसी रही परफॉर्मेंस कुछ बताना चाहते हो आप अच्छा किन किन लोगों का पेपर है अभी इस सैटरडे किन किन लोगों का पेपर है अगर है तो बताएं अभी लग रही जरूरत मॉक की या बस आज बंद किया जाए मॉक सर अब तो रहने दो तो दो दिन हैं हमारे पास अच्छा था आज लेवल गुड परफॉर्मेंस सुपर क्वेश्चन था अब नेक्स्ट वीक मिला जाए ट्वेंटी सेवन क्या बात है नेक्स्ट वीक है काफी लोगों को 27 का है पारस के 20 करेक्ट हुए अच्छी बात देखिए आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ आपकी ईमानदार मेहनत से ही आपके पास आता है हम सिर्फ यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे आपके पास होते हैं राइट right? माहौल क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन को करने का तरीका सिखाने के लिए सो फाइनल वर्ड्स यही हैं कि जब भी आपके पास पेपर आए तो सबसे पहला काम यही है सिलेक्शन ऑफ ड्यूएबल क्वेश्चन ड्यूएबल क्वेश्चन ये देखो आप जैसे इसी में है कि भाई आपके पास पंद्रह क्वेश्चन ऐसे हैं जहां से आप शायद पांच मिनट सात मिनट इन्वेस्टमेंट करके वो पंद्रह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और एक एवरेज बच्चा भी उनमें से तेरह नंबर चौदह नंबर लेके आ सकता है इसी सेट में था जो मैंने डिजाइन किया था बट हो सकते हैं कि शायद पंद्रह क्वेश्चन या बारह क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से टाइम टेकिंग है तो हमें काम ये करना है कि एक बार पेपर को स्कैन जरूर कर लें देख लें उस सेट के लिए तो टाइम आपको मिलता ही है और फिर उन क्वेश्चंस पे हाथ डालिए जहां पे आपका कम समय लगे और आपको नंबर डेफिनेटली उतना ही मिलेगा राइट तो ये स्ट्रेटजी के साथ आप चलोगे तो कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी ठीक है सो दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच अभी कल रहने दें मॉक सेशन session, तीन सेशन आपने कर लिए एग्जाम दे के आइए फिर मंडे से फिर हम टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे बिकॉज अब इसके बाद आई बी जो है उसको टारगेट करना है तो वहां पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी ठीक है चलिए थैंक यू एवरीवन थैंक यू वेरी मच वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू चलो थैंक यू थैंक यू एवरीवन